मैन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्लास है पेडागोगी की, ये क्लास है पेडागोगी की। लेट्स टॉक अबाउट साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। यस, मैं उसको ही सेट करने में लगी हुई हूँ। ओके जी, आई होप अब आपको एटलीस्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ओके, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन, द मेन प्लेसेस फॉर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। प्री प्लान प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ऑब्जर्व डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। लिमिटेड टू स्पेसिफिक पीरियड। वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक करिकुलम। गिवन बाय स्पेशल क्वालिफाइड टीचर।
activities outside the class. So these are some important silent features related to formal education. Number one is pre-planned process of teaching. There will be a teacher जो एक प्री प्लान उनका फॉर्मेट होगा जो यूज होगा फॉर टीचिंग. उसमें क्या होता है, जैसे आजकल हमारे टीचर्स जो हैं वो प्लानिंग करते हैं कि हमें कल जाके कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाना है. आया आपको साइंस करवाना है, मैथमेटिक्स करवाना है, ठीक है. उसके बाद आपने कर ली सब्जेक्ट सिलेक्शन. सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है कि सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक मुझे करवाना है, ठीक है. उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गई पॉइंट सिलेक्शन, ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आती है कि आप उसको पढ़ाएंगे कैसे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी. थर्ड पॉइंट वो होगा. स्ट्रेटेजी में क्या आ जाता है कि डिफरेंट समझेंगे चिल्ड्रन हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, उनकी लेवल जो होती है अंडरस्टैंडिंग वो डिफरेंट होती है. तो हमें उस हिसाब से होता है. जैसे आजकल क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, स्टार्ट में टीचर आके क्वेश्चन करता है कि भाई ये चीज मैं पढ़ाने लगा हूँ, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है. तो कुछ स्टूडेंट को इनकेस अगर नॉलेज होती है तो वो बताते हैं, या कुछ इजी वे रखा जाता है जिसके जरिए जो है उनका एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो, उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली प्री प्लान सिचुएशन में क्या होता है, वी हैव टू मेक एन स्ट्रेटजी बिफोर आवर क्लास. हमें क्लास से पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है. ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. आप सबको पता है स्कूल हो कॉलेजेस हो उसपे डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है. टाइम टेबल्स होते हैं, वहां पे असेंबली होती है, एक मतलब सिचुएशन स्ट्रक्चर्ड होती है जिसको फॉलो अप किया जाता है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कभी मुंह उठा के चला है. एक टाइमिंग होगी आपकी, एक टाइम टेबल बना होगा, ठीक है, पीरियड वाइज आपकी सीरीज होगी, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाएगा, आपको अब्यूजिव लैंग्वेज वहां पे यूज नहीं करनी होती. तो ये चीजें बेसिकली ऑब्जर्व्ड होती हैं इन द सेकंड पॉइंट. लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड. आप मॉर्निंग में जाते हैं दोपहर को आ जाते हैं, मतलब पूरे समझे कि आपके लाइफ टाइम में नहीं होता. दो तीन चीजें आती है. एक तो आपकी टाइमिंग आ गई, आप जाते हैं सुबह को 8 बजे और 9 बजे, उसके बाद आपकी 1 बजे क्लास ऑफ हो जाती है. एक टाइम पीरियड ये हो गया. एक टाइम पीरियड होता है आपका क्लासेस का. क्लासेस का कैसे होता है, आप 1 में आए 2 में आए 3 में आए फर्स्ट ईयर इंटर में, ये आपका एक टाइम पीरियड हो गया, ये भी आपके टाइम पीरियड में आता है. उसके बाद होता है आपका प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, ठीक है, लेवल्स भी आ जाती हैं. तो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है उस चाइल्ड पे कि आप किस पीरियड को फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है. उसके अलावा है वेल डिफाइंड एंड सिस्टमिक करिकुलम. करिकुलम जो है हमें होल कोर्स जो आउटलाइन दी जाती है, हमें सिलेबस मिलता है, उसमें वेल डिफाइंड एक जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है जिसकी मदद से जो है टीचर को भी इजी होता है कि हमें इन चैप्टर्स को लेके सीरीज के साथ लेके पढ़ना है, ठीक है. गिवन बाय स्पेशल क्वालिफाइड टीचर्स. आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो टीचर्स वहां पे होते हैं दे आर ऑलरेडी ट्रेंड, या वो मॉन्टेसरी की डिग्री होगी उनके पास, किसी ने मास्टर्स किया होगा, किसी ने PhD किया होगा, तो दे ऑल आर ट्रेंड और क्वालिफाइड, ठीक है. उनके पास सब्जेक्टिव डिग्री भी होगी, उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग भी की गई होगी. Both points are important regarding qualified the class. Outside the class, कौन सी activities होती हैं? आपकी curricular activities भी आ जाती हैं, तो वो भी आपके course का हिस्सा ही होती है, लेकिन एक formal way से होती है. तो these are some important point. Systematic curriculum, okay. Systematic curriculum का मकसद basically यही है कि आपके पास एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है करिकुलम. आप बेसिकली कहते हैं कि एक कोर्स जो होता है, कोर्स आउटलाइन जो होती है, जो हमारा
पूरे संडे सिस्टम में आता है वो डिपेंड करता है आपकी क्लासेस पर, ठीक है। उसमें क्या आती है, करिकुलम में आपका सिर्फ सिलेबस नहीं आता, करिकुलम में आपकी एक्टिविटीज भी आ जाती है। मतलब आपने देखा होगा एक्सरसाइजेस दी होती है इन द लास्ट, वो एक्सरसाइज जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एक्सरसाइजेस होती है, वो हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके अलावा आपकी आउटसाइड द क्लास की एक्टिविटीज होती है, तो वो सारा हमारे करिकुलम में भी दिया गया होता है। सिस्टमेटिक करिकुलम का मकसद है कि आपको एक सिलेबस दिया गया है, सिलेबस जैसे आपके बुक्स होते हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, उस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसके आप पैटर्न बना हुआ है, जिसके आपको एक टीचर को एक फॉर्मल वे में पढ़ाना होता है। नाउ आई होप कि फॉर्मल एजुकेशन इज क्लियर टू यू। शुड आई रब द बोर्ड? ओके, काइंडली अगर किसी के पास क्लियर आ रहे हैं, मतलब स्क्रीनशॉट वो लेना चाह रहा है तो वो ले लें। लास्ट टू पॉइंट्स, ओके ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं थोड़ा सा कंसाइजली बता देती हूँ। गिवन बाय स्पेशल क्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स में क्या क्या आ जाता है? डिग्री, ट्रेनिंग। आप जस्ट सपोज आप किसी स्कूल में एज अ टीचर वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो आप जाएंगे वहां पे, आपसे क्या कहा जाएगा कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में क्या आता है, आपकी ट्रेनिंग भी आ जाती है, कि आपने कोई सेमिनार्स वगैरह, कोई ट्रेनिंग, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग आपने ली हुई है या नहीं। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। उसके अलावा आपकी डिग्री जो हमें अभी रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट, जैसे सपोज आपको साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की आपने एमएससी वगैरह की हुई है या नहीं। तो क्वालिफाइड टीचर जो लेवल है वहां तक पहुंचने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप डिग्री, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस को लेके चले। क्वालिफाइड टीचर वही होगा जिसकी अच्छी डिग्री होगी, मतलब सब्जेक्ट पे उसका कमांड होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा प्लस ट्रेनिंग होगी। इंक्लूड एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास एक्टिविटीज क्या होगी, आपका स्पोर्ट्स हो गया, आपका पीटी पीरियड होता है जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी कोर्स में मतलब इंक्लूडेड होती है, लेकिन होती ये एक्टिविटीज है आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास। किसी का क्वेश्चन आया था वर्ड पेडागोगी की मीनिंग, कोई पूछना चाह रहा था। बेसिकली जो है पेडागोगी एक वे होता है, एक मेथड होता है, या कहें कि आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं जो यूज होती है टीचिंग्स के लिए। यस, आर्ट ऑफ टीचिंग, ये एकेडमिक भी हो सकती है और थ्योरेटिकल भी हो सकती है। दीज आर अ काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस यूज्ड फॉर अ टीचिंग पर्पस, और वे ऑफ टीचिंग आप कह लें इन इजी सेंस। ये साइलेंट फीचर्स सोबिया पैडा होगी, आप चाह रही है मैं रिपीट करूं?
जो अभी पढ़ाया है ओके मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर लेती हूँ आपका। मैंने साइलेंट फीचर्स पढ़ाए हैं, ठीक है, बस साइलेंट फीचर्स ही पढ़ाए हैं जिसमें प्री प्लांट प्रोसेस ऑफ टीचिंग था, ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड और वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक करिकुलम गिवन बाय स्पेशल क्वालिफाइड टीचर्स इंक्लूड एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम। नॉन फॉर्मल की तरफ चलते हैं। टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप सर्विंग द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप। Conscious and deliberate. Homogeneous group means homo means same, ठीक है, same levels पे जो group बनते हैं in organized form उसको कहा जाता है homogeneous group. Such groups has to be defined or identified in terms of learning needs. Non-formal education basically जो specify हुआ है वो groups के लिए होता है जहाँ पे same learning हो, जहाँ पे same आपकी needs हो, same desires हो. आप में से कई लोग होते हैं जिनको doctor बनना होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इंजीनियर बनना होता है, लेकिन डॉक्टर्स के भी होमोजीनियस ग्रुप होते हैं. कैसे? क्योंकि काफी आप में से ऐसे होते हैं जिनको वाकई डॉक्टर की जो है समझे कि फील्ड में इंटरेस्ट होता है. यस आई एम रिपीटिंग अगेन, होमोजीनियस मींस सेम जो आपकी लेवल पे ग्रुप आते हैं उनको कहा जाता है होमोजीनियस. सेम लेवल, सेम लेवल में आपका यही आ जाता है कि आया उनकी सेम नीड्स हो गई, सेम डिमांड्स हो गई, सेम मोटिव्स हो गए. लर्निंग नीड्स जो होती हैं उनकी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होती हैं. Serving the needs of the identified group. Non-formal education should be programmed to serve the needs of the identified groups. ठीक है? This will necessitate flexibility in design. Flexibility कैसे आती है? आप non-formal system को ले लें जिसको हम कभी-कभी distance education के हवाले से भी जानते हैं. ठीक है? डिस्टेंस एजुकेशन. अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि आप आउटसाइड जो है आपको फार अवे पढ़ रहा है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आप वहां पे नहीं जा सकते, तो आपके लिए क्या होगा कि वो सर्व करेंगे, वो सर्विसेज देंगे डिपेंडेंट जो यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, या कॉलेजेस हो गए, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो नीड्स और डिमांड्स होती है उसके हिसाब से आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में दिया जाता है जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन बेस्ट एग्जांपल यही होता है नॉन फॉर्मल का कि घर बैठे आप एजुकेशन ले.
ओके नेक्स्ट इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट. डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर. डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समझें कि अपने हिसाब से अपनी लर्निंग के हिसाब से वो चाहते हैं कि हम ऐसी लर्निंग ले डिस्टेंस लर्निंग. कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको पसंद होता है जैसे हम फीमेल्स की बात करें अब तो नहीं सॉरी मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं दोबारा आप रिपीट करें. अभी जो हमारा चल रहा है वो अभी नॉन फॉर्मल में ही आ रहा है वो भी डिस्टेंस लर्निंग है. हमारी ऑनलाइन लर्निंग जो हो रही है वो डिस्टेंस लर्निंग है क्योंकि हम एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के नहीं कर रहे तो बेसिकली हमारा वो भी डिस्टेंस लर्निंग में आएगा. इवन मैं जो आपको करवा रही हूँ वो चीज भी आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आ जाती है. ओके यस क्वेश्चनिंग सेक्शन जो है वो लास्ट में किया जाएगा ठीक है ताकि आप सबका कवर अप हो सके टॉपिक फिर जो है रह जाते हैं. ओके जी तो इनफॉर्मल की तरफ आ जाते हैं. इनफॉर्मल एजुकेशन ये जो मैंने आपको की पॉइंट्स लिखवाई हैं लिखवाने का मकसद यही है कि आप में से अगर किसी ने लास्ट वाली एसएससी की टेस्ट दी थी जो हुई थी 2018 में 2018 का जो एसएससी में टेस्ट आया था उसमें 4 क्वेश्चंस जो थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में से उठाए गए थे बस थोड़ी सी चेंजिंग की गई थी. कैसे आपसे पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री प्लान प्रोसेस ऑफ टीचिंग ठीक है या एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासेस वाज गिवन बाय इन विच वाज गिवन बाय इन विच एजुकेशन सिस्टम. जस्ट जो है आप में से गर्ल्स को मैं कहना चाह रही हूँ जो JEST वाले ग्रुप में है एक गर्ल है उनको थोड़ा सा गाइड कर दें. अगर आप में से कोई आपके ग्रुप में गाइड कर दे उनको ममताज नाम है वो मैसेजेस कर रही है लेकिन मैं अभी रिप्लाई नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली. इंसिडेंशियल
the important point. May be negative education also. ये एमसीक्यू अभी आया था आपकी एसएससी 2018 में. नाउ आवाज क्लियर है आप सबको? आवाज क्लियर है? ओके यस, नेटवर्क इश्यू हो सकता है. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वेलकम, और थोड़ा सा लेट हो गया, मे बी आपका टॉपिक मिस हो गया हो. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट साइलेंट फीचर्स जो है नॉन फॉर्मल के करवा दिए हैं, फॉर्मल के भी करवा दिए हैं, एंड इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात हम अभी कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इंसिडेंशियल एंड स्पॉन्टेनियस. इंसिडेंशियल मींस जो है जैसे, मतलब इसके लिए आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये मतलब सडन हो जाते हैं. स्पॉन्टेनियस मतलब भी यही है कि जो चीज आपकी सडन हो जाए. ओके, आई एम नॉट इरेजिंग द बोर्ड. मैंने क्योंकि ये आपको नहीं करवाया अभी. इंसिडेंशियल इंसिडेंशियल और स्पॉन्टेनियस. इंसिडेंशियल मीन्स हैपनिंग्स जो हमारी होती हैं, हैपनिंग्स होती है, मतलब इसमें आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहना लाजमी नहीं है. स्पॉन्टेनियस मीन्स जो हमारे सडन होते हैं, इवेंट्स हो जाते हैं, या हमारी सडन लर्निंग होती है, मतलब उसके लिए हमें कोई एक्यूरेट फॉर्मेट नहीं चाहिए होता, कोई एक्यूरेट हमें स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता, ना हमें किसी पैटर्न की जरूरत होती है. मतलब ये हमारे जो है लाइफ टाइम तक चलता रहता है, जरूरी नहीं है कि ये हमें किसी फॉर्मल वे की तरफ ले जाए. तो इनफॉर्मल वे हमारा वैसे ही लाइफ टाइम चलता रहता है, एवरग्रीन. नीथर प्री प्लांट नॉर डेलिब्रेट. इट इज द अपोजिट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. नीदर प्ली प्लांट, इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता, प्लानिंग नहीं की जाती, ये अचानक से ही समझे कि हो जाता है, कोई प्लानिंग नहीं होती. ठीक है, नॉर डेलिब्रेटेड, जानबूझ के नहीं किया जाता. जानबूझ के का मतलब है कि हम अपनी जो विश के हिसाब से करते हैं, जैसे हमें कोई डिग्री करनी है इनकेस, तो हमारी वो विश होती है. कभी कभी लर्निंग क्या होती है, वो हमारी विदाउट विश भी होती है. कैसे होती है, जैसे हमारे टीचर ये कहा करते थे कि आपको अगर इनफॉर्मल लर्निंग करनी है, तो आप जैसे कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो सिर्फ जो बोर्ड्स लगे हुए हैं उसको आप मेमोराइज करें, बोर्ड्स मेमोराइज करें. अब उसमें आपका कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता, प्री प्लानिंग तो नहीं होती, वन बाय वन आप डिफरेंट शॉप्स के बोर्ड्स देखते हैं और आप याद करते जाते हैं. ये असल में एक प्रैक्टिस करवाई जाती है टीचर्स को बेसिकली, जिससे क्या होता है उसका मेमोराइजेशन स्ट्रांग होता है टीचर का, और एनी अदर स्टूडेंट भी कर सकते हैं ये एक्टिविटी, जिनको ये बोर्ड्स पढ़ाए जाते हैं जो डिफरेंट शॉप्स के होते हैं. तो जानबूझ के ये नहीं होता,
ये सडन होती है हमारी, और जो है हम अमूमन समझे कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट एनी प्लानिंग जो है वो इवेंट्स नहीं होते, वो लर्निंग्स नहीं होती। नॉट इम्पार्टेड एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी, मतलब है आप किसी इंस्टीट्यूट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इम्पार्ट नहीं होते, उसका रोल नहीं होते, वहां पे एनरोल्ड नहीं होते, ठीक है। आप किसी एजेंसी के साथ अटैच नहीं है, ना किसी इंस्टीट्यूट्स के साथ, ये आपका ऐसे ही लर्निंग का पीरियड होता है। नॉट प्रिस्क्राइब टाइम टेबल और करिकुलम, एज आई हैव सेड ऑलरेडी, इन फॉर्मल एजुकेशन देयर इज अ टाइम टेबल एंड करिकुलम। तो बेसिकली इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में कोई भी टाइम टेबल नहीं होता, ना कोई करिकुलम होता है। द कोर्स स्टडी विल बी एब्सेंट, मे बी नेगेटिव एजुकेशन ऑल्सो एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये SST का जो टेस्ट हुआ था 2018 में, ये उसमें पूछा गया था। इवन मैं खुद जो थी कंफ्यूज हुई थी इस जो है क्वेश्चन में। तो मे बी नेगेटिव एजुकेशन ऑल्सो, द क्वेश्चन वॉज देयर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग seems to be negative education in education system, ठीक है। तो negative education मुझे समझ में उस वक्त नहीं आ रहा था कि ये किस चीज की तरफ जो है हमें मुतवजा करा रहा है। तो जो है मैंने लास्ट में आके फिर बाद में देखा था, तो that was informal education। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी learnings जो है, अब उसमें ना pattern है, ना curriculum है, ना time table है, हम ऐसे ही learning कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो वो एजुकेशन हमारी नेगेटिव फॉर्म में भी जा सकती है। मतलब आप एक जो है पॉजिटिव बिहेवियर एजुकेशन के सिस्टम से लाना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी कोई एजुकेशन ऐसी हो जाए जिसकी वजह से आपकी नेगेटिविटी माइंड में आ जाए कि ये बात ऐसी होनी चाहिए, तो मैं इसके अपोजिट चला जाऊं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्लिक पॉइंट है, आप समझे कि इनफॉर्मल एजुकेशन में हमारी नेगेटिव एजुकेशन भी हो सकती है। क्लियर टू यू? ओके। टाइम हो गया है 4:47। इंशाल्लाह जो है हम एक और टॉपिक कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट रिपीट करूं, मे बी नेगेटिव एजुकेशन। देखिए हमारी एजुकेशन का मकसद क्या होता है, हमारी एजुकेशन बताती है चेंज इन बिहेवियर। एजुकेशन बताती है change in behavior, but वो कौन सा behavior होना चाहिए? That will be positive behavior, ठीक है? Positive behavior होना चाहिए आपका education system में। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम learning ऐसी कर लेते हैं जिसमें negativity आ जाती है। Just suppose आपकी surrounding में आपके दोस्त हैं, ठीक है? आपको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, लेकिन आपकी gathering उसके साथ है, ठीक है? मैं सपोज एक स्मोकिंग का आपको एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है? आपके दोस्त हैं, आपके स्कूलमेट्स हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो हाई प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं। उसमें क्या हुआ, आपने जो है उनके साथ उठना बैठना शुरू किया, फिर उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट की, ठीक है? जैसे आजकल के ट्रेंड में ये चल भी रहा है, यंगस्टर्स बहुत जो है नेगेटिविटी में जा रहे हैं। फिर ये जो है आपको एजुकेशन तो आपको करवा रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग हो गई वहां पे आपकी। इनफॉर्मल लर्निंग हो गई, उसमें क्या सीखा आपने कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो मैं भी करूं। ये सिर्फ लर्निंग है, ये एजुकेशन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ कि नेगेटिव एजुकेशन जो है बेसिकली लिंक करती है, लेकिन नेगेटिव लर्निंग आपकी कैसे हो रही है उन दोस्तों के साथ कि आप उनके समझे की बातों में आ गए और आपने उनके साथ वही पैटर्न स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली नेगेटिव एजुकेशन भी हमारी होती है। मतलब आप जैसे समझे आप कोई थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है? आपको हर जगह पे डिफरेंट मटेरियल मिलता है। अगर आपको पता है कि दुनिया गोल है, ठीक है? आपने कहीं में पढ़ लिया कि
है, नहीं भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया तो स्क्वायर है। आपने जस्ट सपोज एक जगह पे पढ़ लिया, किसी ने मजाक में कोई कमेंट लिख लिया, तो आपका दिमाग वहीं पे ही क्लिक हो जाएगा कि नहीं भाई दुनिया गोल गोल होगी, लेकिन ये कह रहा है कि दुनिया स्क्वायर है तो हो सकता है मेरी दुनिया स्क्वायर हो, तो ये क्या है, ये नेगेटिव आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, ओके। इससे ज्यादा इजी वे में मैं आपको नहीं समझा सकती, बच्चों की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है, हालांकि हमारा यही था कि आपके जो है एक चैप्टर एक क्लास में होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मैं आपको डीप में पढ़ाने की वजह से आपका एक चैप्टर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, दूसरी क्लासेस में हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। रिपोर्ट ऑफ लॉर्ड मैकेले, यस ये पेडागोगी से रिलेटेड है। ये दो टॉपिक्स मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है, इनकी आपको वीडियोस मैं सेंड करूंगी, वो आपको देखनी है, उसके बाद इनके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं वो रिपीट करवा लूंगी। मोमेंट रैशनल का मतलब है पॉजिटिव,
एजुकेट एजुकेट एंड एजुकेट। काफी लोग होते हैं जिनका मकसद होता है एजुकेशन को प्रोमोट करना, तो इसका वही मकसद ट्रिपल था, मतलब तीन गुना बड़ा था। लिख ले, डन कर ले तो काइंडली मुझे बता दें इफ यू ऑल हैव डन। ओके ओके, अलीगढ़ मूवमेंट ही हमारा चल रहा है, ठीक है। पारसी, मदरसा, मुरादाबाद, फर्स्ट जो हमारा समझे कि स्कूल मदरसा जिसको कहें वो इंट्रोड्यूस करवाया था सर सैयद अहमद खान की वजह से, ठीक है। वो था पारसी मदरसा, पारसी कहते हैं पर्शियन, पर्शियन। इट वॉज एस्टेब्लिश इन starting point of Sir Sayyed Educational Struggle. Sir Sayyed have started struggle for education system for Muslim. वो मुसलमानों के लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए जिद्दोजहद स्टार्ट की थी, ये पहला स्टेप था पर्शियन मदरसा। इंगेज वॉज ऑल्सो टॉट पर्शियन के अलावा, फारसी के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। Establishment of scientific society. Established in 1864. First
इन नॉर्दर्न इंडिया? पहली पढ़ी हुई एसोसिएशन जो थी वो थी साइंटिफिक सोसाइटी. इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1864. था फर्स्ट लर्न्ड एसोसिएशन इन नॉर्दर्न इंडिया. यस, ये जो मैं आपको सब बता रही हूँ ये सर सैयद अहमद खान की वर्किंग सी ही है. बहुत बड़ा नाम है और बहुत इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग पेडागोगी. सर सैयद अहमद खान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में. तो इनसे तो एक दो एमसीक्यू तो कंफर्म ही आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ा रही हूँ. ओके, आई थिंक कि यू ऑल हैव डन. One thing I want to point out here, girls or boys, both of you, kindly maintain your registers. जिसको जॉब चाहिए ना उसको लिखना लिखने का शौक होना चाहिए. तो kindly जो है अपने registers maintain करें और थोड़े से formal अच्छे way में maintain करें, ताकि आप खुद जब दोबारा वो रजिस्टर खोल के पढ़े ना तो आपको कीड़े मकोड़े नजर ना आए, आपको एक अच्छा फॉर्मल वे नजर आना चाहिए. यस, अपनी वर्डिंग में. Translation of educational and technical literature from English language and European language. क्योंकि आप सबको पता है कि जब सर सैयद अहमद खान थे तब मुसलमानों का थोड़ा सा पुअर था इंग्लिश लैंग्वेज. तो बेसिकली वहां पे उनका मेन मोटो यही था कि वो ट्रांसलेशन जो है उस पे फोकस किया करते थे यूरोपियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की. इसके अलावा पब्लिकेशंस होती थी बुक्स की, पब्लिकेशंस ऑफ बुक्स. जो इंडियन ऑथर्स भी होते थे उनकी भी बुक्स पब्लिश होती थी. यस, साइंटिफिक सोसाइटी, सॉरी साइंटिफिक थोड़ा सा हो गया साइंटिफिक. जवाद, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक सोसाइटी. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1864, जिसको कहा जाता था फर्स्ट लर्न्ड एसोसिएशन इन नॉर्दर्न इंडिया. एम्स पे आ जाते हैं तो ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल लिटरेचर
ट्रांसलेशन बेसिकली लैंग्वेजेस की होती थी, जिसमें दो मेन लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश और यूरोपियन। जैसे कि मुसलमानों की बहुत वीक थी ये दोनों लैंग्वेजेस, उनको पर्शियन आती थी, उसके अलावा उर्दू आती थी, मतलब इंग्लिश में उनका ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, गुड स्पीकर्स नहीं थे, इवन वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते थे। तो बेसिकली सर सैयद अहमद खान ने यही सोचा कि बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही है कि अगर मुसलमानों को आगे बढ़ाना है तो उनको एजुकेशन दी जाए विच विल रिलेटेड टू इंग्लिश और यूरोपियन लैंग्वेज। तो सर सैयद अहमद खान का यही मोटिव था। क्लास आपकी 5 to 10 मिनट्स ज्यादा चलेगी, जस्ट ओके। विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कंसाइज करके लिख रही हूँ, आप भले पॉइंट फॉर्म में लिख लें। एस्टैब्लिश्ड इन 1864। English, Urdu, Arabic, Persian, and Sanskrit. विक्टोरिया स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो सर सैयद अहमद खान ने किया था 1864 में, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। उसमें 5 लैंग्वेजेस का यूज हुआ था वहां पे पढ़ाने के लिए, लर्निंग के हवाले से। दीज वर इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। संस्कृत जो है हमारी समझे के सिंधी से भी थोड़ा सा रिलेट करती है। इन पे आप जो है नंबरिंग डालते जाएं। ठीक है, मैंने नहीं डाली ये, आई थिंक हमारा थर्ड हुआ है विक्टोरिया स्कूल। यस, एट द सेम ईयर। आपके 10 मिनट्स रिमेनिंग है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी सेम ईयर बेटा जी, किसी ने क्वेश्चन किया कि विक्टोरिया स्कूल और साइंटिफिक सोसाइटी का ईयर सेम था, तो मैंने उस पे रिस्पॉन्स किया कि सेम ईयर था 1864। तो आपकी 10 मिनट्स बाद मीटिंग एंड हो जाएगी खुद ब खुद। तो हम कोशिश करते हैं जितना हम कर सके आज की क्लास में करते हैं। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप पर्सनली मुझे मैसेज करके, वॉइस मैसेज करें, रिटन मैसेज करें, जो भी आपका दिल चाहे, जो भी क्लियर आउट करना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,